इधर आओ जी। कहिए जहाँ पना। मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हारा यहाँ खड़े खड़े काम क्या है। जब आप आते हो तो मैं पूरे दरबार को चिल्लाकर आपके आने की खबर देने का काम करता हूँ, जैसे कि खबरदार, होशियार, शहंशाह हिंदुस्तान। तो अभी मैं आया तो मेरे आने की खबर क्यों नहीं दी। अब तो आपको आते देखते ही मैं सबको व्हाट्सएप कर देता हूँ। ये बीरबल अभी तक आया क्यों नहीं? जहाँपनाह की जय हो। क्या खबर है हमारे देश की? जहाँपनाह, खबर अच्छी नहीं है। हमारा देश हर क्षेत्र में विकास कर रहा है, पर हमारे देश के बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। ओहो, तो ये कारण है। मैं हमेशा सोचता था कि हमारे देश के बच्चे खेल कूद और पढ़ाई में कमजोर क्यों हैं। अब मैं खुद जाकर हमारे देश के बच्चों का हाल जानूंगा। जहाँपनाह, आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सब कुछ यहीं पर दिखाता हूँ। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जहाँपनाह, बढ़ती उम्र के बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए नियमित पौष्टिक आहार बहुत जरूरी होता है और वो हमारे बच्चों को नहीं मिल रहा है। ये तो हमारे देश के लिए बड़ी चिंता की बात है। जी हाँ जहाँपनाह, बड़ी चिंता की बात है कि हमारे बच्चे कमजोर हैं, दुर्बल हैं, उनका वजन भी बहुत कम है, उनकी हड्डियों में ताकत ही नहीं है, इसीलिए वो खेल कूद में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। वो सुस्त, कमजोर दृष्टि और दांतों की बीमारी से भी परेशान रहते हैं और इसी कारण वो पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान नहीं दे पाते। वो बार बार बीमार पड़ जाते हैं और उनके माता पिता को उनके इलाज पर बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ये सच में बहुत बड़ी समस्या है जहाँपनाह। समस्या काफी गंभीर है। अगर यही हाल रहा तो हमारे देश के बच्चों का कभी विकास नहीं होगा और हमारे देश की तरक्की नहीं होगी। आखिरकार हमारे बच्चे ही तो हमारे देश का भविष्य हैं। अगर ये स्वस्थ रहेंगे तो ही हमारे देश का नाम रोशन कर पाएंगे। इनका सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए क्या किया जाए? जी, हमारे पास एक बहुत ही पौष्टिक आहार है जो हमारी सारी समस्या को खत्म कर सकता है। वो कौन सा आहार है, जल्दी बताओ। बच्चों के दिन की जिससे होती शुरुआत, पौष्टिकता की हो जिसमें बात, शरीर के साथ हो मानसिक विकास, तंदुरुस्ती के लिए है वो खास, है उसमें तत्व 16, रंग जिसका सफेद, कौन बताएगा इस चीज का भेद। ओहो, तुम ये पहेली में क्यों बता रहे हो, साफ साफ कहो ना। हमारे होशियार बिरबल जी ने आज तक कई पहेलियां सुलझाई हैं, तो इस पहेली को भी क्यों ना सुलझाया जाए। बीरबल, तो बताओ इस पहेली का जवाब। जी जहाँपनाह, इस पहेली का जवाब मैं आपको कल के दरबार में बताऊंगा। खबरदार, होशियार, शहंशाह हिंदुस्तान पधार रहे हैं। आज तुम चिल्लाए क्यों? व्हाट्सएप नहीं किया क्या? जी, मोबाइल का नेट खत्म हो गया था, रिचार्ज करवा दो ना। तो बीरबल, बताओ कल की पहेली का जवाब। बच्चों के दिन की होती जिससे शुरुआत, पौष्टिकता की हो जिसमें बात, शरीर के साथ हो मानसिक विकास, तंदुरुस्ती के लिए है वो खास, है उसमें तत्व 16, रंग जिसका सफेद, कौन बताएगा इस चीज का भेद। जहाँपनाह, वो चीज है दूध। वाह 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 वाह। हमारे देश के ज्यादातर बच्चे दूध कम पीते हैं, इसीलिए उनका मानसिक और शारीरिक विकास कम होता है। बीरबल, क्या कह रहे हो, दूध में ऐसा क्या है, जरा हम भी देखें।
जी जी जहापना। दूध में 16 प्रकार के पौष्टिक तत्व होते हैं, जिनमें से कैल्शियम, फास्फोरस हड्डियों को मजबूत करते हैं और यही नहीं हड्डियों के विकास में भी मदद करते हैं। विटामिन ए से वजन और दृष्टि अच्छी होती है। मैग्नीशियम शरीर में रहे ग्लूकोज को एनर्जी में बदलने के लिए मदद करता है। प्रोटीन मांसपेशियों को मजबूत करता है और इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत शरीर में बढ़ाता है। जिंक और विटामिन डी से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, इसलिए हमारे घाव जल्दी ठीक हो जाते हैं। विटामिन B6 शरीर में जो प्रोटीन होता है उसका उपयोग करने में मदद करता है। विटामिन B12 खून बनाता है और नर्वस सिस्टम को अच्छा करता है और पोटेशियम शरीर के पानी के स्तर को बनाए रखता है। इसलिए जहापना, देश के बेटे बेटियों को तो दूध खास पीना चाहिए। वाह बीरबल वाह, तुम तो बहुत जानकारी हासिल करके आए हो। अच्छा ये बताओ कि बढ़ती उम्र के बच्चों का सर्वांगीण विकास हो इसके लिए कितना दूध पीना चाहिए? जहापना, हर रोज कम से कम 1 ग्लास। ठीक है, मैं आज से आदेश देता हूँ कि हमारे देश के सभी बच्चों को हर रोज हमारी ओर से दूध दिया जाए। जहापना, दूध नहीं सिर्फ और सिर्फ फोर्टिफाइड दूध ही दीजिए। अरे अब ये क्या नई पहेली है, दूध तो दूध होता है। जी नहीं, हमारे देश के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चों में विटामिन ए और डी की कमी पाई जाती है, इसीलिए विटामिन ए और डी मिलाकर फोर्टिफाइड फ्लेवर्ड मिल्क देना होगा। ये दूध पीने से हमारी आने वाली पीढ़ी के बच्चे स्वस्थ और तंदुरुस्त बनेंगे तो देश भी तंदुरुस्त बनेगा और देश का विकास होगा। वाह बीरबल वाह, हम खुश हुए। लाओ जरा हम ये फोर्टिफाइड दूध पी कर देखते हैं। आहा, सच में अमृत है ये। बीरबल हमारी सेल्फी तो लो इसके साथ। बीरबल तुम सच में इस देश के रत्न हो, तुम्हारे पास हर चीज का जवाब है, इसलिए आगे बढ़ो और मेरे आदेश का पालन करो और हर एक बच्चे खासकर लड़कियों को सही मात्रा में फोर्टिफाइड दूध मिले इसका खास ख्याल रखो। जहापना, जाते जाते मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपके आदेश का पालन तो गिफ्ट मिल्क प्रोग्राम से शुरू हो चुका है और ये कार्यक्रम कई स्कूलों में चल रहा है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की एक पहल है NDDB फाउंडेशन फॉर न्यूट्रिशन। NFN के गिफ्ट मिल्क प्रोग्राम का मिशन है हर बच्चे को हर रोज 1 ग्लास सुगंधित दूध मिले। ये योजना से सरकारी स्कूल में पढ़ते बच्चों को खास करके बेटियों को एक पौष्टिक संतुलित आहार मिलता है। दोस्तों आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ जाइए, अपनी और देश की उन्नति में अपना हाथ बढ़ाइए, अपना योगदान दें, एक हाथ एक ग्लास दूध के लिए बढ़ाएं। वाह बीरबल वाह, हम खुश हुए, इसलिए हम आज हमारे फोन से सबके साथ सेल्फी लेंगे।